किसी ने क्या खूब कहा है कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल न मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चल नहीं सकते लोग, जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी के जरिए हम जानेंगे कि लोग शिकायत बहुत करते हैं, यानी शिकायत करना आसान होता है जिंदगी से, पर मेहनत करने के लिए लोग पीछे हट जाते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं, और हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। रपती तेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देख चिल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था, और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो वो भगवान से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है, नजर झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नजर आता है। वह उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसे वहां कोई कुआं नहीं दिखा था। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने के बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन उसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं यह पानी ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलट कर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वह आदमी एकदम घबरा गया। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में ना फंस जाए, और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने दो चार कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया, अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि कई बार हम चीजों के अपने मन मुताबिक न होने पर दूसरों को दोष देते हैं। कभी हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने माता पिता को, कभी कंपनी को, तो कभी भगवान को। पर इस दोषारोपण के चक्कर में हम इस महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपने को खुद साकार कर सकते हैं। इसलिए शिकायत करना या बहाना बनाना बंद करें और परिश्रम करने का बहाना बनाइए, तभी जीवन में सफलता हासिल होगी। कहते हैं ना कि सफल व्यक्ति काम करने के बहाने ढूंढता है और असफल व्यक्ति न करने के। तो दोस्तों, इसीलिए जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहता हूं कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स नहीं किया है तो कमेंट्स कीजिए, क्योंकि कमेंट्स करने से मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।